हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम इनइक्वालिटी में देखेंगे क्वेश्चंस जो कि एसबीआई पीओ 2014 के अंदर आया हुआ है। लास्ट ईयर ही ये पूछा गया है एसबीआई पीओ में, तो हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। कुछ सेकंड के अंदर से हम सॉल्व कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। पहले कहाँ से कहाँ जाना है, डी से ए। डी सेकेंड स्टेटमेंट में है, ए फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो हम दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज किससे करेंगे हम, कॉमन एलिमेंट से। कॉमन एलिमेंट क्या है, बी। बी कॉमन है तो बी दोनों में कॉमन है, तो डी क्या ये ग्रेटर देन बी। डी ग्रेटर देन बी, ई से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे को खाली डी और ए के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। और बी क्या है, लेस देन इक्वल टू ए। बी लेस देन इक्वल टू ए, ये हमारे पास मर्ज हो गई स्टेटमेंट। डी से ए जाना है, अपोजिट साइन हो गए। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, नो कंक्लूजन। फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं हम, ई से सी। फिर से ई सेकंड स्टेटमेंट में है, सी फर्स्ट में है। मर्ज किसके थ्रू होंगे, बी के थ्रू। ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, D greater than B and B is equal to C है, B is equal to C, merge हो गई। E से C जाना है, single equal to sign को ignore कर देंगे हम, बचे साइन ये और ये। इन दोनों में common क्या है, ये common है, तो मतलब E greater than C, ये दे रखा है, सही हो गया। common sign ढूंढ सकते हैं, या फिर जो हमने trick पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक को बनाने से अच्छा है जब ये सिंपल कॉमन लेकर सॉल्व हो सकता है तो उससे हम सॉल्व करें। अब सेकंड क्वेश्चन में एल से जेड। एल फर्स्ट में, जेड सेकंड में, कॉमन वर्ड क्या है, यू। मर्ज करेंगे कैसे, एल ग्रेटर देन यू दे रखा है हमें, L greater than U दे रखा है, और U greater than Z, U greater than Z, ठीक है। कॉमन साइन क्या है, यही है, मतलब L greater than Z, दोनों में कॉमन यही है, greater than, L greater than Z, सही हो गया ये। आप देख सकते कितने फास्ट हम आंसर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस मेथड से, सिर्फ मर्ज एंड कॉमन साइन दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मर्ज एंड कॉमन साइन। अब के से आर, के फर्स्ट में, आर सेकंड में, कॉमन एलिमेंट यू। के लेस देन इक्वल टू यू, यू लेस देन आर, कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों में, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, और लेस देन में कॉमन साइन क्या है, लेस देन, मतलब के लेस देन आर होना चाहिए, यही है, ठीक हो गया। इसका मतलब है इनइक्वालिटी क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन होता है सबसे पहले मर्ज करना, हमें ढूंढना कि जो हमें एलिमेंट के में कंक्लूजन निकालना है वो कौन सी स्टेटमेंट में है। उन स्टेटमेंट को कॉमन एलिमेंट ढूंढ के उन्हें मर्ज करना, मर्ज करने के बाद कॉमन साइन से उनका आंसर निकालना। इस समय में मुश्किल से 20 सेकेंड या 25 सेकेंड से ज़्यादा ना लगने चाहिए। तो इस तरह के दो क्वेश्चन और हैं एसबीआई पीओ 2014 में, वो भी इस तरह सॉल्व होंगे हम, उसे भी इस तरह सॉल्व करेंगे हम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जो कोडेड इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं हमें जल्दी क्विकली। थैंक यू।